स्वयं प्रभा, डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया। नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर श्रृंखला में हम लोग इतिहास धारा, इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों जिसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं और हमारा ध्यान, हमारा फोकस आधुनिक भारतीय इतिहास के ऊपर केंद्रित है। इतिहास लेखन का इतिहास विषय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह इसलिए कि यहाँ से इतिहास के विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को यह ज्ञात होता है कि उस विषय पर, चाहे वह उस विषय का सैद्धांतिक पक्ष हो या फिर उसका एम्पिरिकल पक्ष, उससे पहले किन इतिहासकारों ने किस तरह से बातें की, उनके बौद्धिक प्रश्न क्या रहे, उनके साक्ष्य क्या रहे, जिससे हम उन्हीं बातों को दोहराने को अभिशप्त न हों जिन्हें हमसे पहले की पीढ़ी के, हमसे पहले गुजर जाने वाले इतिहासकारों ने जिस पर बात की। और जैसा कि किसी भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ होता है, वह एक क्रिटिकल डिस्कोर्स, आलोचनात्मक विमर्श होता है। तो इसलिए भी यह जरूरी है कि हम उस विषय पर पहले लिखे गए इतिहास से रूबरू हों, उनको जानें और उनके प्रति आलोचनात्मक और सकारात्मक इसलिए कि हम अंतर्दृष्टियाँ लें। हम अभी तक जो ज्ञान की थाती है उसमें कुछ जोड़ें। तो इस तरह से कारवां चलता रहता है और ज्ञान की गंगा बहती रहती है। तो इस उद्देश्य से हम यह लेक्चर श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ आज हम विभाजन से जुड़ी हुई इतिहास का एक पक्ष रखेंगे, जब मैं इस लेक्चर श्रृंखला का आयोजन, इसकी योजना बना रहा था तो मेरे जहन में यह था कि विभाजन से संबंधित इतिहास को हम दो भागों में विभक्त कर देखें। पहला हिस्सा विभाजन के इतिहास से जुड़ी जो हाई पॉलिटिक्स हैं, उच्च राजनीति, विवाद, सांप्रदायिकता का इतिहास, उसकी बात हो। और दूसरे भाग में हम विभाजन के प्रति जो हमारी समझ पिछले 40 सालों में बढ़ी है, बनी है, उसकी बात करें तो आज हम इस पहलू की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, जहाँ हमारा मूल उद्देश्य घटनाओं के इतिहास के बजाय अनुभव और उस पीड़ा का इतिहास से रूबरू होना है जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी संख्या में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़ी आबादी को विभाजन के समय, पार्टीशन के समय भुगतना पड़ा था। तो यह यदि मोटे मोटी तौर पर कहें तो सन 1946 के बाद से लेकर और 1950 के दौर की घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ घटनाओं से अपने नज़र को आगे ले जाना होगा, अनुभवों की इतिहास की बात करना होगा। और तब हम पाते हैं कि जो घटनाएं 46 और 50 के बीच घट रही थीं, उन घटनाओं का असर, उनकी अनुगूंज लोगों के जीवन में आजन्म रहा। और यह एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया के रूप में, एक जिसे कह सकते हैं कि गहरी छाया इन लोगों के ज़िंदगी में बनी रही। तो इन सब बातों को हम आज कुछ विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। यह कई मायनों में बहुत ताज्जुब की बात लगती है कि यह जो पीड़ा है, जो लोग विभाजन के समय जिसका अनुभव लोगों ने किया, आज़ादी और विभाजन के समय, उस पीड़ा को इतिहास ने लगभग अगले 40 सालों तक भुलाए रखा। और यह जो विस्मरण है किसी विषय का, हम यहाँ से बात शुरू करना चाहते हैं। उन्नीस 1980 के दशक के मध्य में पहली दफ़ा आप कह सकते हैं कि इतिहास विषय के में शोधरत इतिहासकारों के सामने इस विस्मरण का एहसास होता है। दिलचस्प बात यह भी है कि यही वह दौर था, सन 80 के दशक का मध्य, जो हमारे पिछले दो लेक्चरों में की पृष्ठभूमि थी, उसका पीरियड था, जब हम उपाश्रयित स्कूल के इतिहास लेखन की बात कर रहे थे। वह भी 1980 के दशक के पूर्वार्ध में हमारे सामने आता है। तो एक तरह से कहें तो विभाजन के जिस इतिहास लेखन की बात हम आज करने जा रहे हैं वह उपाश्रयित विचारधारा के इतिहास लेखन के साथ साथ या कुछ आगे पीछे हमारे सामने आ रहा है। दरअसल यह विमर्श एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना सन 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए और उसी घटना तक यह विमर्श जाता है। जब इस सांप्रदायिक दंगे के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक गण, दिल्ली के बुद्धिजीवी, समाजसेवी आदि सिख विरोधी दंगे से पीड़ित लोगों की सहायता करने पहुँचे, उनसे उनका सुख दुख पूछने पहुँचे और जब इन्हीं में से एक समूह सिख विरोधी दंगों के डॉक्यूमेंटेशन का काम शुरू किया, लोगों से लंबी बातचीत, उनके अनुभवों को जानने की कोशिश शुरू हुई। उस दौरान इन शोधार्थियों, इस बुद्धिजीवी वर्ग को एहसास हुआ कि जब भी वे पीड़ितों से सन 84 के दंगों की बात करते, जवाब में उन्हें बहुत सालों से भुला दी गई बंटवारे का दर्द सुनाई पड़ता। कई लोगों ने कहा कि यह दूसरा बंटवारा हुआ, दूसरी बार उनके घर उजड़े, दूसरी बार उनके पीड़ितों को से उनको बिछड़ना पड़ा। तो यह जो दर्द, यह बार बार बंटवारे का जिक्र होना, बात सन 84 की हो रही हो और लोगों की प्रतिक्रियाओं में सन 47 का विभाजन उपस्थित हो जाता था। इस पुनरावृत्ति ने, इस तरह की प्रतिक्रियाओं ने इन बुद्धिजीवियों को यह सोचने पर विवश कर दिया कि हमने पिछले 40 सालों में दरअसल भारत के बंटवारे के संबंध में मुकम्मल बात कभी की ही नहीं। न तो समाज विज्ञान ने इस तरफ ध्यान दिया, न ही इतिहास ने। तो यह जो सड़क का अनुभव, यह जो आर्काइव के बाहर जाकर लोगों के दुख दर्द, समाज के दुख दर्द को बांटने की बात, वहाँ से विभाजन के इस दास्तान की शुरुआत मुकम्मल तौर पर हम पाते हैं। इसका मतलब यह कतई नहीं कि इतिहास के अकादमिक विमर्श के बाहर, समाज विज्ञान के अकादमिक विमर्श के बाहर बंटवारे के बारे में बातें न हो रही हों या फिर बंटवारे का रिप्रेजेंटेशन न हो। हम देखते हैं कि बंटवारे के समय उस दौर में भी यदि सिनेमा की बात करें तो बंटवारे के दुख दर्द की बात हो रही थी, उनका चित्रण हो रहा था, जिस बाबत हम अलग से एक लेक्चर में विस्तार से बातें करेंगे कि भारतीय सिनेमा ने किस तरह से बंटवारे के दर्द को, दास्तान को का चित्रण किया और उसके बदलते आयाम क्या रहे। इसी तरह जब हम साहित्य के इलाके में जाते हैं तो वहाँ बंटवारे के ठीक बाद से हमें बहुत उम्दा साहित्य मिलता है। जैसे कुछ नाम कहें तो यशपाल का झूठा सच, जो एक अद्भुत उपन्यास है। इसी तरह भीष्म साहनी की कृति तमस, जिसका 1980 के दशक में 1986 में पहले बीबीसी ने जिस पर 8 या 10 एपिसोड्स का एक सीरियलाइज्ड सिनेमैटिक प्रोडक्शन किया था और इसको फिर एक सिनेमा के रूप में भी हमारे सामने लाया गया। भीष्म साहनी के तमस या यशपाल के झूठा सच के साथ हमें और भी कई बेहद विचारोत्तेजक और रचनात्मक दृष्टि से कहें तो माइलस्टोन लिटरेचर हमारे सामने है, जिसमें सादत अली हसन मंटो की कहानियाँ, खासकर जो उनके कहानी संग्रह सयाह हाशिए का हिस्सा हैं, खोल दो, ठंडा गोश्त आदि अनेक नाम हैं कहानियों के, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मिस्टेक। तो इस्मत चुगताई की कहानियाँ, कृष्णचंदर की कहानियाँ, जोगेंदर पाल की कहानियाँ, अनेक साहित्य बेहद समृद्ध है, इस दर्द से वाकिफ़ है और दर्द को अपने पाठकों तक उसका दस्तावेजीकरण, उसकी अनुगूंज वहाँ हमें सुनाई देती है। साहित्य ही नहीं, हमें अनीस किदवई की बहुत उम्दा दस्तावेजीकरण आप कह सकते हैं आज़ादी की छाँव में, जो फर्स्ट हैंड आई विटनेस अकाउंट, जिसे बाद में पब्लिकेशन डिवीज़न ने प्रकाशित भी किया, तो वह एक दस्तावेज है। इन सब के बाद, इन सब के होते हुए भी इतिहास विषय विभाजन के दर्द से अनजान था, अनभिज्ञ था, या इस दर्द को, इस यातना को, इस पीड़ा को वह नज़रअंदाज करता आया था पिछले 40 सालों में। तो जब दिल्ली में रहने वाले इस छोटे से बुद्धिजीवी तबके ने सिलसिलेवार तरीके से विभाजन के बारे में सोचना शुरू किया। हाँ, यहाँ एक और भी सिनेमा का नाम मैं जोड़ता चलूँ जो सन 75 में आया, गर्म हवा, MS सथ्यू की। तो पहली बार इस साहित्य और इस सिनेमाई चित्रण से भी वे रूबरू हो रहे थे और कई चुनौतियां उनके सामने थी। एक तरफ तो सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों की दास्तानें थीं जिसमें विभाजन का दर्द बार बार उभर रहा था, सूखे घाव फिर से हरे हो रहे थे। दूसरी तरफ यह साहित्य था, यह सिनेमा था, लेकिन यदि इतिहास के विषय के इतिहास पद्धति के भीतर से बात करें तो चुनौती थी कि इन सब अलग अलग किस्म के बेहद समृद्ध लेकिन संश्लिष्ट साक्ष्यों, रजिस्टरों को किस तरह से हम इतिहास के लिए अर्थपूर्ण बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ साथ में मैं यह भी बताता चलूँ कि इन बुद्धिजीवियों में महज इतिहासकार ही नहीं थे। जब इतिहासकारों की बात करते हैं तो ज्ञानेन्द्र पांडे का नाम यहाँ स्वतः ही हमारे सामने आता है, विभाजन के इस पक्ष के इतिहास के बारे में उनकी लेखनी ने हमारा ज्ञान बहुत बढ़ाया। एक के तरह से आप कह सकते हैं कि वे पायोनियर रहे इस फील्ड में। लेकिन इतिहासकारों के साथ साथ समाज विज्ञानी थे, साहित्यिक के विषय पर कार्य करने वाले आलोचक, समीक्षक थे, साहित्यकार थे, साहित्य को पढ़ाने वाले बुद्धिजीवी थे, जैसे उर्वशी बुटालिया जो अंग्रेजी विषय से ताल्लुक़ रखती थी सीधे तौर पर यदि कहें तो। अर्थ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जैसे बीना दास। तो एक तरह से कहें कि जो सरोकार उभर कर सामने आ रहा है वह अपने मूल में इंटरडिसिप्लिनरी एक्सरसाइज स्वतः हो गया। लेकिन फिर भी जब हम इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यह बेहद ज़रूरी है कि इतिहास के विषय को लेकर किस तरह की चुनौतियां वहां सामने थी, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित रखें, भले ही हम अन्य विषयों, इतिहासकार, गैर इतिहासकारों द्वारा भी किस तरह से विभाजन के विमर्श से संपर्क किया जा रहा है, उसको संबोधित किया जा रहा है, उसकी भी बात करें। आशीष नंदी का नाम बेहद विचारोत्तेजक लेखनी के कारण, जो अनेक समाज विज्ञान के अनेक क्षेत्रों के लिए नई अंतर्दृष्टियाँ देता है, उनकी द एम्बिगुअस जर्नी टू द सिटी और फिर बाद में उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया रिकॉन्स्ट्रक्टिंग लाइव्स का प्रोजेक्ट, जिसमें पहली बार उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर शोधार्थियों ने बंटवारे के समय जो जिन लोगों ने आँखों देखा था, स्वयं भुगता था, जो उसके आई विटनेसेस थे, विक्टिम्स थे, उनसे बात करना और उनके जीवन लाइफ हिस्ट्रीज तैयार कर वह एक बड़ा डॉक्यूमेंटेशन का कार्य, ये सब महत्वपूर्ण है इस विमर्श में। तो इस सन 80 के दशक के मध्य से जो विमर्श शुरू हुआ और जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 1990 के दशक में इजाफा हुआ, वहाँ एक बात तो बेहद स्पष्ट रूप से उभर कर आ रहा है, वह यह कि इस इतिहास को कारण परिणाम के फ्रेम से बाहर निकलना होगा। साथ ही यदि इन बातों को, इस पीड़ा के इतिहास को लिखा जाए तो हमें एक साल या दो चार साल के इतिहासों को जिस तरह से माइक्रो स्टडीज़ के पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है, उस फ्रेम से भी हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि विभाजन राजनीतिक रूप से भले ही 1947-48 के दरमियान हुआ हो, वह जो हाई पॉलिटिक्स का इतिहास है वह भले ही सन 46 या सन 1942 या 1940 जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों की तरफ हमें ले जाता हो, लेकिन इसका दर्द, इसकी टीस भुक्तभोगियों के जीवन में बार बार उभरती रही और इसने, चाहे वह सांप्रदायिक संबंध की धरातल पर हो या फिर वह शरणार्थियों के बाद के जीवन के रूप में, अनेक किस्म के कठिनाइयों के रूप में हो, या फिर जिस प्रकार बड़े पैमाने पर आबादी का सीमा से इधर से उधर स्थानांतरण हुआ, उसने जिस तरह से महानगरों से लेकर गांवों तक के जो सेटलमेंट पैटर्न्स हैं उसमें बदलाव लाए, यह एक सतत प्रक्रिया रही जो एक लंबे टाइम फ्रेम की मांग इतिहासकारों से करता रहा। तो दो बातें तय थीं, एक कि हम कारण परिणाम के पुराने पॉजिटिविस्ट दायरे से बाहर निकलें, और दूसरा कि हम माइक्रो स्टडी के फलक को रचनात्मक रूप से उसको विस्तार दें। यहाँ साथ ही यह एक बेहद चुनौती भरा सवाल था कि ये अनुभव, यह पीड़ा, यह यातना जो लोगों ने भुगता था, यह उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर, समुदाय के स्तर पर भुगता था। आर्काइव में यह अनुभव आंकड़ों के रूप में या सरकारी सरोकारों के रूप में, रिलीफ की बातों के रूप में ही दर्ज। तो ऐसे में आर्काइव की सीमाएं बेहद स्पष्ट रही, तो उस आर्काइव से बाहर निकलकर, सरकारी दस्तावेजों के बाहर निकलकर, लोगों के अनुभवों की बात उनके पीड़ा की बात करने के लिए इतिहास किस कदर तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल रहा। तो यह जो अनुभव की बात है, यह पीड़ा, इस यातना की बात है, यह वह जमीन है जो अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ता है। तो यहाँ 40 साल पुराने का मंजर और इतिहासकार जिस समय शोध कर रहे हैं वह दोनों एक दूसरे के साथ बेहद संश्लिष्ट तरीके से जुड़े हुए हैं। यह इसलिए भी कि जब आप घटनाओं के एक ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के फ्रेम से, उसके कॉजैलिटी कारण परिणाम के फ्रेम से बाहर निकलते हैं और जब अनुभव की बात होती है तो अनुभव जाहिर सी बात है बहुत एक फ्लूइड, एक डायनामिक वह डोमेन है जिसकी अपनी पेचीदगियां हैं और कुछ पेचीदगियों के बारे में हम अभी विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। वे अलग किस्म के मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहाँ अलग किस्म का एक एपिस्टेमिक इंगेजमेंट हमें चाहिए होता है। ज्ञान मीमांसा के स्तर पर हमें अपने को अलग किस्म से तैयार करना होता है। तो यहाँ यह जो अनुभव है वह हमें अतीत की स्मृतियों की तरफ ले जाता है और स्मृति के साथ इतिहास का क्या नाता हो, क्या रिश्ता हो, वह हमारे सामने एक बड़ा सवाल बनकर उभरता है। क्योंकि अतीत के अध्ययन, अतीत की जिस रूपों में प्रमाण के आधार पर इतिहास अतीत के साथ संवाद करने का अभ्यस्त है, जहाँ साक्ष्यों की प्रामाणिकता बेहद मायने रखती है और अतीत स्वयं को उन प्रामाणिक साक्ष्यों के द्वारा इतिहासकार के सामने प्रस्तुत करता है, इतिहासकार उनकी जांच परख करता है। लेकिन यहाँ मसला तो कुछ और है, यहाँ स्मृतियाँ हैं। क्या स्मृतियों को प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत माना जाए? स्मृतियों ये का स्टेटस क्या है, स्मृतियां क्या हैं? वह समाज के साथ, वर्तमान और अतीत के साथ किस तरह से जुड़ी हुई हैं? ये तमाम नए किस्म के सवाल इतिहास विषय के सामने हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है जब हम विभाजन के पीड़ा की बात करते हैं। दूसरी तरफ इन स्मृतियों के साथ माइग्रेशन का वह इतिहास है, पलायन का वह इतिहास है जिसके कारण लोग घर छोड़ने पर विवश हुए रिलीफ कैंप, रिफ्यूजी कैंप में आकर रहने को बाध्य हुए। उनकी जिंदगी के कई अध्याय बने नए किस्म से, किस तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया में सरकारों ने इस तरफ नीतियाँ विकसित की। तो ये किस तरह नए पड़ोस का निर्माण नगरों में हुआ, ये तमाम बातें हैं जो जिसका संबंध महज अतीत से न होकर वर्तमान से जुड़ा रहा। तो इस तरह से एक तो अनुभव का सवाल और दूसरा स्मृति का सवाल, और इन दोनों ही मुद्दों का इतिहास और उसकी ज्ञान पद्धतियों से किस तरह का संवाद हो, यह एक चुनौती का विषय रहा है उस समय भी और आज भी है। अब संक्षेप में जरा हम स्मृति के विमर्श की तरफ अपना रुख करें। तो हम पाते हैं बहुत संक्षेप में कि 20वीं सदी में जिस तरह से समाज विज्ञानियों ने स्मृति के साथ संवाद किया है, अपने को इंगेज किया है, वह एक तरफ तो हेनरी बर्गसन के फिलॉसफर रहे, उन इस संवाद में, समाज विज्ञान के संवाद में उनका जो स्मृति को लेकर कार्य है उससे प्रभावित रहा। दूसरी तरफ उनके शिष्य मॉरिस हॉलबाख के स्मृति की अवधारणाएं ने आमूल रूप से प्रभावित किया समाज विज्ञान को, इतिहासकारों को। तीसरा नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है खासकर इतिहास के विषय में, वह फ्रांसीसी इतिहासकार पीए नोरा का काम, जो उन्होंने फ्रांसीसी राजक्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय और खासकर आइकनिक इवेंट्स जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वह किस तरह से सामूहिक स्मृतियों को स्वरूपित करता है, राष्ट्रीय स्मृतियाँ बनाता है, उसका स्वरूप क्या है, इसकी तरफ हमें ले जाता है। जब मॉरिस हॉलबाख की बात करें तो वे बेहद असरदारी तरीके से हमें बताते हैं कि स्मृतियाँ भले ही अतीत से संबंध रखती हो, अतीत को हमारे सामने लाती हैं, लेकिन उनका दूसरा सिरा वर्तमान से जुड़ा होता है क्योंकि उनका उत्पादन वर्तमान में हो रहा होता है। तो यह जो अतीत और वर्तमान का संबंध है, अतीत को वर्तमान में लेकर आने की बात है, वहाँ हॉलबाख कहते हैं कि वर्तमान की जो सामाजिकताएं हैं वह बहुत अहम तरीके से स्मृतियों को स्वरूपित कर रही हैं, करती हैं। इसलिए यदि उनकी बात से अंतर्दृष्टि लेते हुए हम बात कहें तो स्मृतियाँ अतीत का शुद्ध रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनके उत्पादन में, उनके अर्थों में समकालीन समाज की अमिट छाप हुआ करती है। तो इस तरह के अनेक सिद्धांतकार, 3 का नाम हमने अभी लिया, चौथे सिद्धांतकार जिनके सिद्धांत ने स्मृतियों के प्रति हमारी समझ पे का बहुत इजाफा किया, वे हैं पॉल रिकर। तो रिकर खासकर स्मृतियों के का भाषा के साथ क्या संबंध हो, स्मृतियों को क्या महज रिप्रेजेंटेशन माना जाए, आदि गंभीर बातें और उसकी संश्लिष्टताओं के साथ स्मृतियों को का किस प्रकार वे अपने को परिलक्षित करती हैं, एक ज्ञान के स्रोत के रूप में, अतीत के ज्ञान के स्रोत के रूप में, आदि अनेक पहलू हमारे सामने अपनी संश्लिष्टता के साथ आते हैं। तो स्मृतियाँ क्या है, उसके साथ यह जो क्या है, क्या का सवाल, उसके साथ स्मृतियों को कैसे देखें, कैसे उनका विश्लेषण करें, यह कैसे शब्द रिकर के फ्रेम में, रिकर के सिद्धांत में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो स्टेटस मेमोरी का और हाउ टू एक्सेस मेमोरी, दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। हम अपनी सीमाओं के कारण बहुत विस्तार से इन सिद्धांतकारों की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इनका जिक्र कर देना इसलिए ज़रूरी है कि इनकी अंतर्दृष्टियों ने कहीं न कहीं भारतीय इतिहासकारों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभावित किया, या एक शोधार्थी के रूप में भी हमें यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि भारत के बाहर अन्य संदर्भों में स्मृतियों को लेकर किस तरह की बातें हो रही। तो दोनों ही इन चारों के लेखनी का से हमें इस बात को समझने में भी सहायता मिलती है कि स्मृतियों और इतिहास के बीच का क्या संबंध। भारतीय इतिहासकारों के लिए खासकर 1980 और 1990 के दशक में हालांकि चुनौतियां बहुत स्पष्ट थीं, और वह यह कि स्मृतियों को ऐतिहासिक सत्य मानने में क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, स्मृतियों को ऐतिहासिक प्रमाण माने या न माने, आर्काइव की सीमाएं जिसकी तरफ हमने अभी जिक्र किया था, और यहाँ मौखिक इतिहास की अहमियत इतिहासकारों के सामने आती है। तो एक तो मौखिक इतिहास की अहमियत, दूसरा कि फील्ड वर्क की अहमियत। इन दो मौलिक मुख्य अनुभव मुख्य ज़रूरतों के कारण इतिहासकार एक तरफ तो ओरल हिस्ट्री के मेथड्स की तरफ मुड़कर देख रहा है और दूसरे तरफ वह एंथ्रोपोलॉजी से अंतर्दृष्टियां ग्रहण कर रहा है। लेकिन मौखिक इतिहास की जब हम बात करते हैं तो यह भारत में भी कोई पहला अवसर नहीं था जब इतिहासकार मौखिक साक्ष्यों का इस्तेमाल करने को प्रेरित हो रहे हैं। इससे पहले हमने बहुत संक्षेप में जिक्र भर किया था कि किस प्रकार 70 और 80 के दशकों में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों का एक समूह उन स्वतंत्रता सेनानियों से बातें कर रहा था और उनके अपने निजी स्वतंत्रता आंदोलन की भागीदारियों का इतिहास उनकी मुँह ज़बानी सुनकर उसका दस्तावेजीकरण उसका रिकॉर्डिंग हो रहा था। तो मौखिक इतिहास के भारत में भी पहले से जिसे कहते हैं प्रेसिडेंस रहा। लेकिन विभाजन के इस पीड़ा की विमर्श की आवश्यकताएं कुछ अधिक थी, कुछ विशिष्ट थी और वह यह कि यहाँ महज जानकारियों को जोड़ना नहीं था, यहाँ उस संवेदना की बात थी, उस अनुभव को दर्ज करना था, उसका विश्लेषण करना था, उसको ऐतिहासिक तथ्यों के नज़रिए से देखने की बात थी। तो ये नई किस्म की पेचीदगियाँ थीं जो इतिहासकारों से और इतिहास से नए किस्म के संवेदनाओं की मांग कर रही थी। दूसरी तरफ हम पाते हैं कि विभाजन का विमर्श कोई एक जगह केंद्रित तो नहीं माना जा सकता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप को बहुत गहरे और भौगोलिक रूप से कहें तो बहुत विस्तार लिए हुए अपने आगोश में समेटे हुआ था। यहाँ क्षेत्रीय विविधताएं थी, पलायन के अनुभव से शायद ही भारत का कोई प्रांत ऐसा रहा जो अछूता रहा। यदि कुछ हद तक सुदूर दक्षिण इससे कुछ मामलों में अछूता रहा, लेकिन आप पश्चिमी पंजाब, उस समय के पश्चिमी पंजाब से पूर्वी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में हुए बड़े संख्या में शरणार्थियों का पलायन, उसकी बात कहें। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन्हीं इलाकों से बड़े तादाद में लोग उजड़कर सीमा के उस पार जाने को विवश हो गए। जम्मू कश्मीर के सुदूर प्रांतों में सीमा के आर पार लोगों का तबादला हुआ, माइग्रेशन हुआ। उन्हें भौगोलिक परिस्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शरणार्थी के रूप में आगे की जिंदगी गुजारने के लिए विवश हुए। दूसरी तरफ पूर्व की बात करें तो जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग भारत आए और भारत से बड़ी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान या जिसे अब बांग्लादेश कहते हैं वहाँ जाने को विवश हुए। दंडकारण्य और अंडमान आदि जगहों पर जो विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े थे, वहाँ इन्हें बसाया गया। तो जैसा कि मैंने कहा, भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर बंटवारे का प्रभाव पड़ा। इनकी क्षेत्रीय विविधताओं के जरिए उस यातना को समझना यह एक नई चुनौती रही बंटवारे के इन इतिहासकारों के समक्ष। और शुरू में तो जो बंटवारे का यह इतिहास लिखा जा रहा था वह अधिकांश रूप से दिल्ली और पंजाब केंद्रित ही था। इन क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में इतिहासकार 1990 के दशक के अंत की तरफ या फिर कहें तो पिछले 10-20 सालों में अधिक संवेदनशील हुए। तो यहाँ मसला था खोए हुए, भुला दिए गए आत्म की बरामदी का। राष्ट्र का वह सेल्फ, वह आत्म जिसको भुला दिया गया था, उसको कैसे रिकवर करें। इतिहास का वह पन्ना जो भुला दिया गया था उसको कैसे वापस रिकवर करें, उसको कैसे विश्लेषित करें। हिंसा की पीड़ादायक स्मृतियाँ, उनके साथ किस तरह से रूबरू हूँ। और यहाँ हम जर्मनी के हॉलोकॉस्ट संबंधित विमर्शों के साथ इतिहासकार अंतर्दृष्टि ले रहे हैं और उस संबंध में जो राइटिंग्स हैं उनसे अब भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कई स्तरों पर संवाद किया जा सकता है उस विमर्श से, लेकिन भारतीय संदर्भ में जो जर्मनी के नात्सी अत्याचारों से भारत के विभाजन को अलग करता है वह यह कि यहाँ की हिंसा का कलेवर सांप्रदायिक था। जो लोग, जो समुदाय एक दूसरे के साथ पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रह रहे थे, उनके बीच रंजिश हो गया और उसके खतरनाक परिणाम सांप्रदायिक नफरत के रूप में प्रकट हो रहा था। तो अनेक किस्म की ऐसी विशेषताएं थी जो दक्षिण एशियाई संदर्भ में विशिष्ट रही, उनको इतिहासकार के तौर पर हम कैसे अटेंड करें। जैसे यहाँ विभाजन के दर्द के साथ जाति का प्रश्न जुड़ जाता है, यहाँ परिवार की प्रतिष्ठा जैसे मुद्दे जुड़ जाते हैं। जब हमें ज्ञात होता है कि इस परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए परिवार के ही लोगों द्वारा महिलाओं की हत्या होती है, जिसके लिए एक शब्द ऑनर किलिंग का प्रयोग होता है। तो इस तरह की बेहद जटिल बातों को, हिंसा की जटिलता को कैसे समझें, जो बहुत नज़दीकी व्यक्तियों के द्वारा अपने ही नज़दीकी दूसरे संबंधित लोगों के ऊपर की गई। यह दूसरी तरह से देखें तो वह दास्तान भी है जहां एक संप्रदाय के लोग दूसरी संप्रदाय के लोगों की अपने जान की परवाह किए बगैर रक्षा किया और उन्हें सुरक्षित रखा, तमाम परेशानियों को सहते हुए। तो जहाँ यह सांप्रदायिक नफरत के अनेक उदाहरणों को हमारे सामने लाता है, वहीं यह सांप्रदायिक भाईचारे के अनेकानेक अद्भुत लेकिन सत्य कहानियों को भी हमारे सामने उपस्थित करता है और हमारे जेहन में तमाम नए सवाल छोड़ जाता है। यह दास्तान शरणार्थियों के अपनी जिंदगी का पुरुषार्थी के रूप में कायांतरण का इतिहास भी है। जब इन शरणार्थियों ने अपने पौरस के बल पर, मेहनत के द्वारा न मात्र अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी की, बल्कि जहाँ जिस नगर, जिस समाज में वे आए, वहाँ उन्होंने बहुत सक्रिय भागीदारी के साथ शिरकत की। तो ये तमाम पहलू हैं, यहाँ हिंसा भी है, यहाँ भाईचारा और प्रेम भी है। इसमें क्षेत्रीय विविधताएं हैं, इसमें भावनाओं का एक संसार बसता है और इस भावनाओं के संसार के साथ इतिहास एक विषय के रूप में किस तरह संवाद कर रहा है, यह पिछले 40 साल 30-35 सालों में हमें विभाजन के ऊपर इन इतिहासकारों के लिखे हुए से ज्ञात होता है और हमारी समझ में एक इंसान, बेहतर इंसान के तरह भी इजाफा होता है और हमारी ज्ञान में इजाफा तो होता ही है। अतीत की नई समझ, स्मृतियों की एक का नया आकाश हमारे सामने खुलता है। शुक्रिया।